अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं मटन दाल पुलाव बनाने की रेसिपी। ये डिश गुजरात में काफ़ी फेमस है, अक्सर शादी वगैरह में बनते रहता है मटन दाल पुलाव। अगर आप लोग को दाल पुलाव बनाना हार्ड लगता है तो चलिए हम आपके साथ शादियों में बनने वाला दाल पुलाव की रेसिपी शेयर करेंगे, और वो भी सिंपल और ईजी तरीके से। यहाँ पर हमने 1 kg मटन लिया है, इसे हमने अच्छी तरह से धो लिया है। 1/2 kg हमने यहाँ पर दाल लिया है, दाल को हमने भिगो दिया है। यहाँ कुछ मसाले हैं, 1.5 teaspoon धनिया है, 1 teaspoon जीरा है और 1 teaspoon काली मिर्च है। इसे हम मिक्सी जार में डालकर एक पाउडर रेडी करेंगे। अब हम इसमें कुछ गरम मसाले डालेंगे, खड़े मसाले। यहाँ पर हमने दालचीनी लिया है, 1 star है, जावित्री है, 2 बड़ी इलायची है, पत्थर के फूल हैं, 4 हरी इलायची है और लौंग है। तो इन सभी मसालों को हम और मसालों के साथ हम इसका भी पाउडर रेडी कर लेंगे। और यहाँ पर हमने प्याज को पहले ही रेडी करके रखा है, प्याज को हमने फ्राई कर लिया है, बिरिस्ता रेडी किया है 3 प्याज को। अगर इस स्टेप पे आप चाहें तो 3 प्याज को बारीक काट कर आप रख लें। 2 हमने लहसुन का क्यूब लिया है, 2 अदरक का क्यूब लेंगे। आप इस स्टेप पे अदरक लहसुन का पेस्ट यूज कर लें, बट आप जानते हैं कि हम हमेशा स्टोर कर रखते हैं इस तरह से क्यूब बनाकर। यहाँ पर हमने हरी मिर्च ली है, मिर्च को हमने बीच में से स्लाइस किया है। 2 बड़े साइज के टमाटर को हमने इस तरह से चॉप कर लिया है, थोड़ा मोटा मोटा। यहाँ पर हमने नमक लिया है, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। और हल्दी और लाल मिर्च भी लेंगे, हम बाद में यूज करेंगे। अब तड़के के लिए हमने 1 प्याज का बिरिस्ता यहाँ पर रखा है और सूखी लाल मिर्च है, इसका हम तड़का लगाएंगे दाल में। तो यहाँ पर दाल के सभी इंग्रेडिएंट को हमने रेडी कर लिया है। अब चलिए पुलाव देख लेते हैं। पुलाव के लिए 1.5 kg हमने यहाँ पर चावल को भिगो दिया है 30 मिनट पहले, और यहाँ पर 2 हरी इलायची है, 1 star है, पत्थर के फूल हैं। इससे काफ़ी अच्छा खुशबू आता है पुलाव में, आप उसे ज़रूर डालें। लौंग है, तेज पत्ता है, 1 बड़ी इलायची है और दालचीनी है। और यहाँ पर देखिए 1/2 cup दाल को हमने थोड़ा सा कुक कर लिया है, सिर्फ 1 प्रेशर आने तक, ज़्यादा हमें ओवर कुक नहीं करना है। नमक है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। यहाँ पर हमने कोथमीर लिया है, धनिया पत्ती। चलिए अब सभी मसालों को पहले हम ग्राइंड कर लेते हैं, इसका हम पाउडर रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कुकिंग के लिए हमने मस्टर्ड ऑयल यूज किया है और ऑयल अच्छी तरह से हीट हो चुका है। तो सबसे पहले हम बिरिस्ता डालेंगे और अदरक और लहसुन का क्यूब डालेंगे। आप ऑयल गर्म होने के बाद प्याज ऐड करें 3 से 4, आप जिस क्वांटिटी में बनाना चाहते हो उस हिसाब से प्याज को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसे फ्राई होने के बाद, गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप उसमें मटन ऐड करें। इसमें हल्दी और नमक भी डाल लेंगे, हरी मिर्च और टमाटर भी ऐड कर देंगे, और हमने जो मसालों का पाउडर रेडी किया था वो डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 5 से 6 मिनट तक हम इसे हाई फ्लेम पर भूनेंगे, उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे। मटन जब तक भून रहा है हम दाल बॉयल होने के लिए रख देते हैं। तो दाल में हम 1 लीटर पानी ऐड करेंगे और हाई फ्लेम पर हम 2 प्रेशर आने तक इसे कुक करेंगे। नमक और हल्दी भी ऐड कर देंगे। तो नमक की क्वांटिटी को अपने हिसाब से रखें, क्योंकि पहले भी हमने मटन में भी नमक ऐड किया हुआ है। यहाँ पर देखिए 2 प्रेशर आ चुका है और दाल को हमें इतना ही गलाना है, ज़्यादा और कुक नहीं करना है। तो अब हम इसे मटन में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और मटन भी अच्छी तरह से भून चुका है मसालों में। तो दाल ऐड करने के बाद हम इसे 5 मिनट और भून लेंगे, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो दाल में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। 5 मिनट हम इसे और भून लेंगे हाई फ्लेम पर, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। थोड़ा इसमें हम पुदीने के पत्ते डालेंगे, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और कोथमीर डालेंगे, धनिया पत्ती। और हाई फ्लेम पर हम इसे भूनने के बाद इसमें हम 1 लीटर पानी ऐड करेंगे और 2 से 3 प्रेशर आने तक हम इसे कुक करेंगे। यहाँ पर हमने 1 लीटर पानी यूज किया है, हम इसे कवर कर देते हैं। जब तक दाल कुक हो रहा है हम पुलाव रेडी कर लेते हैं। तो पुलाव के लिए हमने यहाँ पर बड़ा पतीला लिया है, इसमें हम 3 टीस्पून ऑयल डालेंगे। अगर आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, बट हमने यहाँ पर रिफाइंड लिया है। और गैस की फ्लेम हम हाई रखेंगे। सबसे पहले हम इसमें सभी खड़े मसाले ऐड करेंगे, और हम आपको जीरा दिखाना भूल गए थे, इसमें हम 1 टीस्पून जीरा भी ऐड करेंगे। अब पानी डालेंगे। तो हमने 1.5 kg चावल लिया था,
उस मेजरमेंट से हम यहाँ पर 2 लीटर पानी यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि हमने चावल को पहले से भिगो कर रखा था। और चावल पे भी डिपेंड करता है कि कुछ चावल ज़्यादा पानी सोख करता है, तो आप उस हिसाब से लें। नमक ऐड करेंगे हम, थोड़ा इसमें नींबू डालेंगे, और दांतों वाला अगर आपको फ्लेवर चाहिए तो इसमें थोड़ा सा 3 से 4 ड्रॉप आप केवड़ा वाटर डाल दीजिए, ज़्यादा मत डालें। और यहाँ पर देखिए दाल को हमने ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया है, बहुत ही ज़्यादा प्रेस करने के बाद ये टूट रहा है। सिर्फ एक प्रेशर आने तक हमने इसे प्रेशर कुकर में कुक किया था, उसके बाद हमने इसे स्ट्रेन कर लिया है, तो वो डालेंगे। तो इसमें अच्छी तरह बॉयल आने तक हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पानी में अच्छी तरह बॉयल आ चुका है, तो अब हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं। जब सोख किया हुआ चावल रहता है तो पानी कम एब्जॉर्ब करता है, तो आप उस हिसाब से पानी इसमें ऐड करें। और यहाँ पर मिक्स करते हुए अगर आपको लगे कि पानी कम है तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, बट हमारे लिए परफेक्ट है। तो हाई फ्लेम पर हम इसे कवर करेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। यहाँ पर देखिए 7 मिनट हो चुका है। अब हम इस स्टेप पे गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, और आप देख सकते हैं मसाला आपको देखने से लग रहा होगा कि पुलाव हमारा काफ़ी परफेक्ट बना है, बट हम इसके ऊपर थोड़ा बिरिस्ता डालेंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। तो इस स्टेप पे हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और बिरिस्ता डालने के बाद हम 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। चलिए मिलते हैं 5 मिनट के बाद। मसाला आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट पुलाव बनकर रेडी हुआ है, वो भी एकदम शादियों में बनने वाला पुलाव। तो चलिए हम इसे डिसआउट कर लेते हैं। और हमने इसमें जो केवड़ा वाटर का ड्रॉप डाला था उससे एकदम शादियों वाला फ्लेवर आ रहा है, और काफ़ी मज़े का पुलाव बना है। तो बीच में हम इस तरह से इसमें जगह कर लेंगे। अब आप सोचेंगे कि बीच में हम जगह क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बाउल रखेंगे दाल का, तो इसी तरह से सर्व किया जाता है। तो चलिए अब हम दाल सर्व करते हैं। तो स्टीम निकाल लेंगे, गैस की फ्लेम हमने पहले ही बंद कर दिया था। तो दाल यहाँ पर परफेक्ट बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें तड़का लगाते हैं। अगर आपको दाल थोड़ा गाढ़ा लग रहा होगा तो आप पानी ऐड कर लें, या फिर पतला लगे तो आप टेंशन ना लें, थोड़ा ठंडा होने के बाद वो ठीक हो जाता है। पहले हम सूखी लाल मिर्च डालेंगे, और हमने यहाँ पर बिरिस्ता लिया है। इस स्टेप पे आपके पास बिरिस्ता ना हो तो आप प्याज ले लें, प्याज को इसी टाइप का गोल्डन ब्राउन करें, उसके बाद आप इसे दाल में ट्रांसफ़र करें। तो जब हम बिरिस्ता बनाकर रेडी रखते हैं तो हमें कुकिंग में थोड़ा ईजी रहता है, तो हम इसलिए बिरिस्ता अदरक लहसुन का क्यूब बनाकर पहले से रेडी रखते हैं, ताकि हमारी कुकिंग थोड़ी ईजी हो। हम इन सब की वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तब हम इसे डिसआउट कर लेते हैं। और मसाला आप देखिए शादियों में जिस तरह सर्व किया जाता है दाल पुलाव, हमने उसी टाइप का सर्व कर दिखाया है, और हमने आपके साथ बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से इसकी रेसिपी शेयर की है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो आप लोग इस मेथड को फॉलो करते हुए इसे ट्राई करें, और घर बैठे दावतों वाला दाल पुलाव का लुत्फ़ तो उठाएँ और फैमिली के साथ इंजॉय करें। और हमें भी आप दुआओं में याद रखें, और हमें कमेंट में बताना ना भूलें कि आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइस अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो की आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।